पटना के दीघा स्थित जनार्दन घाट पर गंगा नदी में नाव पाया से टकरा कर डूब गया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो बालू लदी नाव जनार्दन घाट के पास नदी में पाया के टकराने से यह हादसा हुआ है। नाव को डूबता देख आसपास के लोग तुरंत बचाव काम में जुट गए। जनार्दन घाट पर गंगा सफाई करा रहे लोग तुरंत सहायता के लिए पहुंचे और वहीं इस घटना में दो लोगों को बचा लिया गया है, जबकि नाव में कितने लोग सवार थे ये अभी तक पता नहीं चल सका है। घटना के बाद घाट पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय लोगों की माने तो कई लोगों ने तैर कर अपनी जान बचाई है और घटना की खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं सहायता के लिए एनडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। पाया पर लड़के डूब गया है। कहाँ पे डूबा था? 12 नंबर पाया था। कितने लोग सवार थे नाव पे? 12-13 आदमी। अच्छा, क्या का नाव में क्या पैसेंजर था या खाली पैसेंजर था या बालू था? बालू था। अभी तक कितने लोग निकले? अब आदमी हम लोग नहीं। आप लोग कैसे निकले? हम लोग तो इसी नाव से आए। अच्छा, सामने पूरा बोट अंदर पानी को चला गया। बस हम क्या कि अपना बोट जो है, हमारा जो गंगा समग्र का बोट है, हमारा लाए हैं बनारस से, इस बोट को हम क्या कि खोल के जल्दी स्पीड करके 35 की स्पीड में ले गए वहाँ पर। वहाँ पर गए पीछे से भी दो नाव आ रहा था, बालू वाला क्या जंगल वाला ही था खाली नाव। उधर से भी वो लोग कवर किया, हम इधर से कवर किए। जितना लोग जिसे कोई सहारा, इनका थोड़ा सा बम्बू था जो नाव पर अक्सर होता है, इस बम्बू के सहारे ये लोग भी पकड़ा हुआ था, चिल्ला रहा था, बाकी हमने उनको कवर किया अपना जैकेट रस्सी में बांध के, जैकेट और ट्यूब जो मेरे नाव में होता है वो लटका के इनको पकड़ के वहाँ से लेके आया। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता पंकज कुमार दानापुर से, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, देखिए फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि गंगा नदी में नाव पलटने से यह बड़ा हादसा हुआ है और कई लोग देखिए लापता होने की अभी भी आशंका जताई जा रही है। क्या फिलहाल अभी रेस्क्यू ऑपरेशन एसडीआरएफ की टीम की तरफ से जारी है? जी देखिए, अभी तक एसडीआरएफ की टीम अभी तक पहुंची नहीं है घटना स्थल पर। हालांकि अब सही जानकारी ये प्राप्त हो रही है कि 5 लोग लापता हैं। 5 लोग के जो परिजन हैं वे गंगा घाट के पास आकर काफी रो धो रहे हैं। हालांकि जिस तरह से घटना घटी है उससे बाकी जो उसमें 13 लोग सवार थे नाव में, बाकी जो लोग थे वो तो तैर के पार कर गए, लेकिन जो नाव में जो झोपड़ी नुमा घर की तरह होती थी उसके अंदर में जो लोग थे, कहा जाता है कि जब नाव डूबी वे लोग 5 उसी के अंदर में थे जिसे बचाया नहीं जा सका। हालांकि अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ है, स्थानीय लोगों के द्वारा ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एसडीआरएम की टीम अब पहुंचने ही वाली है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है, एसडीआरएम की टीम अभी पहुंची भी नहीं है। जी पंकज, क्या मौके पर प्रशासन की टीम मौजूद है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है? जी मौके पर प्रशासन की जो दीघा पुलिस थी वो पहुंची है, उसने जांच पड़ताल करने के बाद यहां से दीघा पुलिस भी चली गई है। हालांकि जो घाट पर अभी जितने भी परिजन हैं, 5 लोगों के परिजन यहां पर आकर अपने लोगों की तलाश के लिए जहां तक हो सकता है कोशिश कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन जो थी वहां पर वो भी अपने स्थान पे चली गई है। प्रशासन न तो यहाँ पर घाट किनारे कोई प्रशासन है, न एसडीआरएफ की टीम है। यहाँ पर जो पीड़ित लोग हैं वो एसडीआरएफ के आने का अभी भी इंतजार कर रहे हैं। पंकज, देखिए जानकारी मिल रही है कि कई लोग तैर कर अपनी जान बचाए हैं, क्या उन लोगों की तरफ से कुछ कहा गया है कि ये नाव हादसा आखिर क्यों हुआ? जी जो तैर के बचे हैं, जिनका कि हम लोगों ने विजुअल भी दिखाया है, जैसे उन लोगों की माने तो जो नाव थी, नाव बिल्कुल काफी वेग से चली जा रही थी। नाव को लोग आगे की ओर देखे नहीं कि नाव किस दिशा की ओर चला जा रहा था, लेकिन जब टकराया काफी जोर से तो वो सीधा, चूंकि जो नाव लदी बालू होते हैं वो सिर्फ पानी से 2-4 अंगुल ऊपर ही होते हैं, जैसे टकराया वो सीधा के एकदम बिल्कुल ऊर्ध्वाधर में 90 डिग्री के कोण पे वो सीधे नदी में समा गई। और जितने लोग समझ पाते हैं वे लोग तो तैर के निकल गए हैं, जो लोग समझ नहीं पाए, जो लोग झोपड़ी नुमा के अंदर थे 5 लोग, वे उनका अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया। पंकज, देखिए ये जानकारी क्या स्पष्ट हो पाई है कि इस नाव में कितने लोग सवार थे और क्या इसमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल थी, इसकी कोई जानकारी मिल पाई है? जी ये बालू लादा जा रहा था मनेर महिनावा से, वहां से लेकर आ रहे थे, इसमें कोई बच्चे भी नहीं, कोई महिलाएं भी नहीं थी, केवल जो पुरुष थे, जो मजदूर थे, जो लादते थे बालू, वे लोग ही सवार थे उसमें। कुल 13 लोगों के सवार होने की बात बताई जा रही है, जिसमें 5 लोग लापता है। जी
ठीक है पंकज, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।